हाँ भाई जानो, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने मुझसे लेंस के बारे में सीखा, आपने सीखा कि दो वक्र पृष्ठों या एक वक्र पृष्ठ या एक समतल पृष्ठ से घिरे हुए माध्यम को बोलते हैं लेंस। आपने लेंसों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा भी पढ़ी। अब हम इस टॉपिक लेंस पे अगला जो टॉपिक करने वाले हैं वो है लेंस सूत्र। बेटा लेंस सूत्र पढ़ने से पहले आपको मैं कुछ बातें वापस रिपीट करता हूँ। पहली बात कि लेंसों में चिन्ह परिपाटी वही काम में ली जाती है जो दर्पण में ली जाती है। दर्पण में चिन्ह परिपाटी क्या होती थी कि वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखेंगे, तो लेंस में भी वस्तु को हमेशा कहाँ रखेंगे? बाईं ओर। बाईं ओर की मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है और दाईं ओर की मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक और नीचे की ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक। और सभी दूरियां वहां किससे मापते थे? वहां पोल से मापते थे और यहां किससे मापोगे? प्रकाशित केंद्र से। बेटा एक बात, अपना जो ध्रुव है और अपना जो प्रकाशित केंद्र है उनमें कहीं बुकों में पोल को जो ध्रुव है, दर्पण में जो ध्रुव है उसको पी से भी व्यक्त कर रखा है और ओ से भी व्यक्त कर रखा है। पी से भी व्यक्त कर रखा है और ओ से भी, और जो प्रकाशित केंद्र है लेंस में उसे ओ से व्यक्त कर रखा है। तो आप कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज होते हो तो वहां आप ये पी लिख लेना, क्योंकि बुकों में कहीं में ऐसा लिख रखा है, अपनी बुक में ओ ही लिख रखा है, जो एनसीईआरटी है उसमें ओ ही लिख रखा है दोनों में, तो आप कंफ्यूज मत होना। अब चिन्ह परिपाटी आपने सीख ली। अब मैंने पिछले वीडियो में आपको ये भी कहा था कि आपको लेंसों से संबंधित जो प्रतिबिंब है वो बनाने हैं। बेटा प्रतिबिंब ऐसे तो 12th क्लास का टॉपिक नहीं है, ये 10th क्लास में आता है, क्योंकि 12th में ये पढ़ते हैं तो अपना चैप्टर और ज्यादा बड़ा हो जाता है। तुम बनाने के इच्छुक हो तो बना लेना, मेरे तो दो ही प्रतिबिंब काम आएंगे, वो मैं आपको एक एक पढ़ाऊंगा कि कौन कौन सी काम आएंगे। तो पहला प्रतिबिंब तो मैं आपको अभी बनाना सिखाऊंगा, देखना आप अपने आरबीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग अगली बार निकालो लेंस सूत्र। लेंस सूत्र, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। बेटा जैसे आपका दर्पण सूत्र होता है वैसे ही लेंस सूत्र भी होता है। अब लेंस सूत्र ड्राइव करने के लिए आपको इमेजिंग करनी पड़ेगी। क्या इमेजिंग कर रहे हैं? देखना, ये कौन सा लेंस है? तुम्हारा दिमाग कहता होगा कुछ ना कुछ, तो सर ये उत्तल लेंस है, ये इसका द्वारक है। और आराम से तसल्ली से सीखना, ये क्या है? ये मुख्य अक्ष है, ये इसका प्रकाशी केंद्र है ओ। अब अपने लेंस में उत्तल लेंस में या उत्तल लेंस में दो फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं? पिछले वीडियो में बताया दो फोकस। बेटा इसका फोकस धनात्मक होता है, वो यहां से डिसाइड नहीं होता है, चिन्ह परिपाटी से डिसाइड नहीं होता है, वो होता है लेंस मेकर सूत्र से। वो किससे होता है? लेंस मेकर सूत्र से। जब मैं आपको लेंस मेकर सूत्र पढ़ाऊंगा इस टॉपिक लेंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो जब पढ़ाऊंगा तब आपको मैं सिद्ध कराऊंगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। फिलहाल मैं बोलूं कि इसका जो F1 है वो ये रहा, और इसे वक्राकार पृष्ठ का वक्रता केंद्र कुछ यहां है, यहां है ये C1,
बेटा C1 को मैं 2F1 लिख रहा हूँ। ये क्यों लिखा आपको बता भी है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या की R बोलूं, R1 बोलूं, तो इसे हम स्मॉल F1 बोलेंगे। तो ये वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, उस ट्रिक से लिखा है ये। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, 2F1, ठीक है। अब यहां मैं बोल रहा हूं कि यहां ये जो वक्राकार पृष्ठ है इसका वक्रता केंद्र होगा, जो होगा क्या, इधर C1 है तो इधर क्या होगा, C2। लेकिन यहां क्या होगा, C2 को क्या लिखोगे, 2F2। क्यों? क्योंकि इस वक्राकार पृष्ठ का कोई फोकस होगा तो वो डिसाइड कौन करेगा फोकस को, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है वहां होता है फोकस। तो वो फोकस ही डिसाइड करेगा वस्तु के निकलने वाली प्रकाश की किरण। मैं एक प्रतिबिंब अभी बनाना सिखा रहा हूं, एक दूरदर्शी में सिखाऊंगा, दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी में। तो अभी एक फिलहाल मैं कौन सा बना रहा हूं, जब वस्तु 2F1 से परे हो। तो बेटा एक परेरा ये वस्तु है, वस्तु ये ए और ये बी, और मैं इस वस्तु को इधर से देख रहा हूं, इधर है मेरी आंख। तो इस वस्तु से ऐसे तो अनेक प्रकाश की किरणें निकलेगी, लेकिन हम अपनी आंख में जाने वाली दो प्रकाश की किरणों से प्रतिबिंब को डिसाइड करेंगे। कौन डिसाइड करेगा, मस्तिष्क। क्यों, मस्तिष्क ही निर्णय लेता है प्रतिबिंब का। तो डिसाइड करने के लिए मैं कह रहा हूं कि इससे निकलने वाली जो प्रकाश की किरण है, एक प्रकाश की किरण है, इसको थोड़ा कम लगा दो, ये लो, ये प्रकाश की किरण निकल रही है, तो मुख्य अक्ष के क्या आ रही है, समांतर आ रही है। और इस वस्तु की ऊंचाई तुम मुझे बताओगे बाद में, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण प्रतिबिंब बनने के नियम से कहां से गुजरेगी। सर ये एक बिंदु से गुजरेगी जिसे हम फोकस बोलेंगे, ये गुजर गई सर, ये गुजर गई, ये कौन होगा, कौन सा फोकस होगा, F2, ठीक है, ये फोकस F2। एक प्रकाश की किरण देखना भाई, एक प्रकाश की किरण मैंने, देखो ये F2 में यहां लिख रहा हूं ना, एक प्रकाश की किरण मैंने कहां से गुजार दी, ध्रुव से गुजार दी, सॉरी प्रकाशी केंद्र से गुजार दी। प्रकाशी केंद्र से जाने वाले प्रकाश की किरण क्या होती है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, निकल गई, ये निकल गई। प्रतिबिंब कहां बना, तुम्हारा दिमाग कह रहा होगा सर यदि मैं आंख यहां सेट करता हूं तो आंख यहां बैक प्रेस करती हुई कॉमन पॉइंट ढूंढ लेगी, मस्तिष्क निर्णय लेगा कि प्रतिबिंब यहां बना। तो ये क्या होगा, ये बी डैश और ये क्या होगा, ए डैश। तो ये प्रतिबिंब कैसा बना, उत्तल लेंस से वास्तविक, क्या बना, उल्टा। वस्तु इतनी बड़ी, वस्तु की यदि मैं ऊंचाई H बोलूं तो इसकी ऊंचाई H डैश होगी, तो ऊंचाई क्या होगी, कम होगी। और बेटा चिन्ह परिपाटी से मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की दूरियां क्या होती है, पॉजिटिव, और ये नीचे की दूरी क्या होगी, कोई बताएगा मुझे, ये क्या होगी, माइनस, इसे मैं H डैश बोल रहा हूं। मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर की दूरी क्या होती है, नेगेटिव। अब बेटा अगली बात सुनो, ये बिंब की ध्रुव से दूरी क्या मानते हैं, हम यू मानते हैं, पर बेटा मुख्य अक्ष के इधर बाई ओर मापी गई सभी दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। तो मैंने ऋणात्मक लगा दिया, प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं, और बेटा दाई ओर की दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है, किससे, चिन्ह परिपाटी से। तो ये भी प्रतिबिंब की दूरी
बेटा फोकस दूरी, जिधर प्रकाश की किरण फोकसित हो रही है इधर हो रही है, तो ये इसकी फोकस दूरी होगी। यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या होगी? फोकस दूरी। लेकिन बेटा इसे एफ क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि ये फोकस और ये फोकस दोनों ही समान है, दोनों ही फोकस दूरियां समान है, लेकिन हम दोनों को कंबाइन में एफ लिखते हैं। इधर माइनस का एफ लिखते हैं और इधर क्या रखते हैं? प्लस का एफ। बाकी और कोई अंतर नहीं है। मैं थोड़े दिनों बाद में सिद्ध करवा दूंगा, जैसे लेंस मेकर सूत्र आएगा तब मैं सिद्ध करा दूंगा कि इसकी अवतल उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। मैं सिद्ध करवा दूंगा, आने दो लेंस मेकर सूत्र। तो अभी मैं फिलहाल कहूं कि ये फोकस दूरी है ए, और मैं बात करूं यहां से लेके यहां तक की दूरी, बेटा ये क्या होगी? कोई बताएगा मुझे? सर ये वक्रता त्रिज्या होगी। क्या होगी? वक्रता त्रिज्या। कौन से प्रश्न की? इस प्रश्न की। लेकिन हम पूरे प्रश्न की वक्रता त्रिज्या यही मानेंगे क्या? आर ही मानेंगे। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या? तुम्हारा दिमाग क्या कुछ कह रहा हो तो आर बराबर क्या होता है? 2 है। तो ये दूरी क्या हो गई? 2 है। क्या हो गई? 2 है। अब इसकी थ्योरी लिखो, डायग्राम समझ में आ गया? इसकी थ्योरी लिखो। माना एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है जिसकी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या आर है, वह फोकस दूरी, फोकस दूरी स्मॉल एफ है। क्लियर बात? स्मॉल एफ है। इस लेंस के सामने, के सामने एक वस्तु ए बी रखी हुई है, रखी हुई ना, ए बी रखी हुई है, वस्तु ए बी रखी हुई है। इस वस्तु से, इस वस्तु से ऐसे लिखे, इस वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणों द्वारा, ऐसे नहीं लिखे, ऐसे लिखे कि इस वस्तु का, इस वस्तु का लेंस द्वारा, द्वारा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। ठीक है? अभी मुझे एक बात बताओ, मैं ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इसको मैं दे रहा हूं डी पॉइंट। क्या पॉइंट दे रहा हूं? डी पॉइंट। क्यों? क्योंकि मैं सिद्ध करूंगा कुछ ना कुछ। तो ये हो गई इसकी थोड़ी, इतनी लिखनी है ना। अब बेटा मैंने आपको जब दर्पण सूत्र पढ़ाया था तब समरूप त्रिभुज पढ़ाया था, तो वो यहाँ की काम आएगी ना। मैं जो उंगली फेर रहा हूं उस त्रिभुजों को देखना, ए बी ओ, ओ ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, इन दोनों त्रिभुज को देखो ना। त्रिभुज ए बी ओ व त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में, देखना बेटा समरूप त्रिभुज साबित करने के लिए क्या करना पड़ता है? 2 कोण बराबर करना पड़ता है। तो देखना, मैं देखो कोण बराबर कर रहा हूं, ये 90 और इस त्रिभुज का ये 90, और जिस कोण को बराबर सिद्ध करना होता है उसको क्या करते हैं? बीच में रखते हैं। तो देखना, मैं रख रहा हूं कोण बी ए ओ, बी ए ओ बराबर है कोण किसके? बी डैश ए डैश ओ के, बी डैश ए डैश ओ के। क्यों? 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? 90 बन तो रहा है 90। अब अगला कोण मैं कौन सा सिद्ध करूंगा? देखना बराबर इन दोनों त्रिभुजों में ए ओ बी, ए डैश ओ बी डैश। क्यों? शीर्ष अभिमुख,
सभी मुक्त हो गया। देखना कोण ए डैश ओ बी डैश बराबर है कोण, बोलो सॉरी एक मिनट सॉरी इधर ये रख रहे हैं ए ओ बी इस त्रिभुज को ऐसे रख सकते हैं बराबर है कोई नहीं है लेकिन फिर भी सीक्वेंस ए डैश ओ बी डैश बराबर है क्यों शीर्ष अभिमुख अतः अतः त्रिभुज बोलो कौन कौन सी ए बी ओ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ ठीक है समरूप है त्रिभुज ए बी ओ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ के अतः और हम जानते हैं कि क्या जानते हो कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है बराबर और हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो बराबर बेटा देखना मैं कौन कौन से ही उठा रहा हूं इसका मैं लंब उठा लिया ए बी ओ में मैंने लंब उठा लिया तो इसका भी मैं क्या लूंगा लंब लूंगा क्या ए डैश बी डैश इसका मैं आधार ले रहा हूं ए ओ इसका भी क्या लूंगा मैं आधार लूंगा क्या ए डैश ओ क्लियर इसको मैं समीकरण एक दे रहा हूं इसको मैंने क्या दे दिया समीकरण एक अब इसी प्रकार मैं एक त्रिभुज और दिखा रहा हूं वो देखना इसी प्रकार त्रिभुज देख रहा है एक बार मैं ले रहा हूं डी ओ एफ टू डी ओ एफ टू ये वाला डी ओ एफ टू और देखना दूसरा त्रिभुज कौन सा ले रहा हूं ए डैश बी डैश एफ टू डी ओ एफ टू व ए डैश बी डैश एफ टू कहने का मतलब ये देखना व देखना मैं क्या कह रहा हूं ए डैश बी डैश एफ टू ये दोनों भी क्या होंगे समरूप क्यों ये शीर्षाभिमुख ये 90 और ये 90 तो ये भी क्या होंगे समरूप इसी प्रकार त्रिभुज डी ओ एफ टू समरूप है त्रिभुज ए डैश बी बी डैश एफ टू के ए डैश बी डैश एफ टू के इसलिए बोलना भाई इसमें भी मैं क्या ले रहा हूं वही समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है डी ओ और ये ए डैश बी डैश इसका मैंने लंब ले लिया तो इसका भी क्या लिया है लंब बराबर देखना इसका मैं आधार ले लिया क्या ओ एफ टू इसका भी मैं क्या लूंगा आधार कितना बोलना एफ टू ए डैश क्लियर बात अब बेटा एक बार देखना मेरे को डी ओ बराबर किसके हैं ए बी के चित्तर से डी ओ बराबर किसके हैं ए बी के और बात सुनो ओ एफ टू देखना ये रहे हो ओ एफ टू और यदि मैं बात करूं एफ टू ए डैश मुझे ये दूरी चाहिए ये दूरी मेरे पास नहीं है क्यों क्योंकि मेरे पास दूरी पूरी ये है ये दूरी है और ये दूरी है तो वही ट्रिक काम में लो आपको ये दूरी चाहिए तो यहां से लेके यहां तक की दूरी में से ये कटा दो आपके पास ये आ जाएगी कहने का मतलब मेरी बात समझो क्या समझोगे कि मैं ये कह रहा हूं
कि आपके पास आपको चाहिए F टू A डैश, ये दूरी चाहिए। ये दूरी कैसे निकालोगे? पूरी, पूरी कौन सी बोलो? O और A डैश माइनस इसको कर दो O F टू, समझे बात? O F टू ये करोगे तो ये मान याद रखो दोनों चीजों के, तो A B अपॉन A डैश B डैश बराबर बोलो O F टू अपॉन F टू A डैश की जगह क्या रखोगे? ये रखोगे क्या? O A डैश माइनस O F टू, समीकरण दो। अब समीकरण एक से ए बी अपॉन ए डैश बी डैश का मान समीकरण दो में रखो, रखना भाई समीकरण एक से, समीकरण एक से समीकरण दो में मान रखने पर रखो भाई, रखना ए ओ अपॉन ए डैश ओ क्लियर, बराबर क्या होगा? ओ एफ टू अपॉन बोलो ओ ए डैश माइनस बोलना ओ एफ टू, क्लियर ये बात? अरे ये बात क्लियर? अब क्या लिखोगे देखना, समझना चित्र से या फिर क्या लिखोगे चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से बेटा आपको जो दिख रहा है वो बोलो। ए ओ क्या है? माइनस टू, ए ओ बराबर क्या है? माइनस टू, देखना सही है क्या? और बोलो ए डैश ओ ये क्या है? वी, ए डैश ओ बराबर क्या है? वी। ओ एफ टू, ओ एफ टू दिख रहा है क्या आपको? ये रहा, ये क्या है? स्मॉल एफ, ये बात तो ये मान मान रखो ऊपर, रखना भाई माइनस यू अपॉन वी बराबर ओ एफ टू की जगह क्या रखोगे? ये लग गया स्मॉल एस, बोलो ओ डैश ए डैश ओ की जगह क्या रखोगे? वी माइनस था O F टू का मान क्या रखोगे? F। अब बेटा आप क्या करोगे इसको तिरछा गुणा कर दो, इसको इधर और इसको इधर, तो करना होना माइनस यू वी माइनस F बराबर बोलो वी F, ये हो गया। आगे आप अंदर गुणा करना तो जानते ही हैं, करो गुणा देखो, इसको माइनस यू को वी से गुणा किया तो माइनस यू वी, माइनस यू को एफ माइनस एफ से गुणा किया तो एफ यू बराबर वी एफ। अब क्या करोगे? दोनों पक्षों में यू वी एफ का भाग देने पर तो देना भाई माइनस यू वी अपॉन यू वी एफ प्लस एफ यू अपॉन यू वी एफ बराबर वी एफ अपॉन यू वी एफ, तो काटा भी नहीं करना, कट जाएगा, कट रहा है ना, ये लो आपके पास बचा क्या? माइनस एफ वन अपॉन एफ
अपॉन वन अपॉन वी बराबर वन अपॉन यू। यही तो बचा, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ। पानी ऊपर से निकाल के ट्राई लगा दो, फिर बाद में बिठा देना। देखना इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, बोलना क्या होगा, वन अपोल एफ बराबर। देखना ये इधर गया तो क्या बचा, वन अपोल वी माइनस वन अपोल यू, ये एम दिया। समीकरण तीन, समीकरण तीन लैन सूत्र को, सूत्र को दर्शाता है, दर्शाता है, ये आपको लिखना है, उतार लो। हाँ भाई, अब जो अपना अगला टॉपिक है लेंस सूत्र के पश्चात, वो है लेंस में आवर्धन। बेटा मैंने दर्पण सूत्र में आपको आवर्धन पढ़ाया था, एक एग्जांपल भी दिया था कि बीड़ी का बंडल की रेड, तो आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब कितने गुना बना किस से, दर्पण में बना तो दर्पण में आवर्धन और लेंस में बना तो लेंस में आवर्धन। तो क्या होता है, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा तथा बिना लेंस के जो बिंब है उसकी ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन। क्या बोलते हैं, आवर्धन। तो अभी आपका जो प्रतिबिंब बना था वो उसकी ऊंचाई क्या थी, एक प्रतिबिंब तो क्या था, ए डैस बी डैस, और ऊंचाई क्या थी, यदि मैं आवर्धन बोलूं तो बोलो प्रतिबिंब तो था ए डैस बी डैस और बिंब क्या था, ए बी। बेटा उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना वो किधर बना आपको बता भी है, नीचे की साइड में। अभी बना तो था, ये वस्तु थी ऐसे, ये नीचे बना था, तो नीचे की दूरी मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। तो तुम क्या बोलोगे इसे, बोलो माइनस एच डैश अपॉन ए बी को क्या बोलोगे, बोलो ए बी को एच ही बोलोगे। ए बी क्या है, वस्तु की ऊंचाई। तो ये आ गया आपका आवर्धन किस में, लेंस में। तो बेटा ये एम दिया, इस सूत्र को भी एम दिया, न्यूमेरिकल होंगे इससे। अब बात सुनो, आपका उत्तल लेंस में प्रतिबिंब नीचे की ओर बनता है जबकि आउटर लेंस में प्रतिबिंब इधर बनता है, आभासी बनता है और वो इधर बनता है, जिधर वस्तु होती है उधर ही बनता है। तो ऊपर की ओर बनता है तो एच डैश क्या होगा, पॉजिटिव। तो उत्तल अवतल लेंस के लिए आवर्धन क्या होगा, धनात्मक, जबकि उत्तल लेंस के लिए क्या आ रहा है, ऋणात्मक। तो एक नोट लिखो, उत्तल लेंस के लिए, लेंस के लिए आवर्धन, आवर्धन ऋणात्मक, ऋणात्मक होता है जबकि, जबकि आउटर लेंस के लिए, लेंस के लिए आवर्धन धनात्मक होता है। क्लियर। अब इस टॉपिक लेंस सूत्र और इस आवर्धन से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल है वो आप कर लेना, नहीं होता है तो अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस पे भेजने पर कि ये न्यूमेरिकल मेरे से नहीं हुई, बाकी नोट्सों में न्यूमेरिकल पूरे हुए हुए हैं तो वहां से कर लेना। आज की सभा समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।